हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये टॉप वियर किया है, ये दूसरा टॉप है जो मैंने एक बार शॉपिंग करने गई थी जब पटना आई थी इस बार, तो उस टाइम मैंने ये वाला टॉप लिया था। बहुत ही येल्लो पेस्टल कलर का है, तो आज मैंने ये जीन्स के साथ वियर किया है क्योंकि आज शायद बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो कम्फर्टेबल है, बहुत ज़्यादा लूज है। और ये रहा मेरा चाय, तो आज हम लोग चाय घर से पी के जा रहे हैं। कल का ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो चाय का मसला आपको पता ही होगा, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस बार चाय आज घर से पी के निकलते हैं और इसको फटाफट से फिनिश करते हैं। शाम हो चुकी है और उसके बाद आपसे मिलते हैं मेला में और देखते हैं कि आज हम लोग क्या देखते हैं, जबकि आज नौमी है तो भीड़ तो ज़बरदस्त होने वाली है। तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, चाय इन्जॉय करते हैं। इतना भीड़ में लगने के बाद फाइनली मूर्ति का दर्शन हुआ, दुर्गा माता की मूर्ति का दर्शन। और ये पंडाल बहुत अच्छा बनाया था, यहाँ पे आप क्लाउड देख के पता लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। हमें 3 से 4 घंटे लगे हैं यहाँ पंडाल आने में, देखने में और निकलने में, यहाँ से इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मुझे नहीं पता कितने किलोमीटर तक यहाँ पे भीड़ थी ही थी, मतलब दूर दूर तक सिर्फ लाइन ही लाइन था। बट फाइनली हम लोगों ने जंग जीत लिया ये पंडाल देख के। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्लाउड है यहाँ पर, मतलब अनबिलीवेबल, बहुत ही ज़्यादा। कोलकाता की याद आ गई ये भीड़ देख के। चार घंटा लाइन में लगने के बाद लग गई थी जोरों की भूख, तो पंडाल देखने के बाद सबसे पहले मैं आ गई फुचका खाने के लिए। मैं जितनी ज़्यादा भूखी थी फुचका खा के स्वाद उतना ही ख़राब हो गया, क्योंकि ये सूजी के गोलगप्पे थे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद हम लोग फुलवारी शरीफ होते हुए गोला रोड की तरफ आए और ये गोला रोड का जो पंडाल है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये पंडाल भी बहुत अच्छा था, यहाँ की मूर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। माँ वैसे हर रूप में अच्छी लगती हैं, बट अगर मतलब थोड़ा भव्य रूप, विशाल रूप होता है तो उसमें और ही ज़्यादा उनकी खूबसूरती जो है वो निखर के आती है। और मैं यहाँ पर अपना शक्ल को दिखाते हुए प्लॉन्ट करती हुई, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाइट थी और मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ती हूँ ऐसे अपने फेस को दिखाने का। और ये गोला रोड का दूसरा पंडाल है जो हम लोगों ने देखा, मतलब ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारा पंडाल देखा बट कुछ ही मैंने पंडाल कैप्चर किया जो मुझे ठीक ठाक लगा। तो यहाँ की भी मूर्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और यहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा था, तो हम लोगों ने प्रसाद भी लिया और टीका भी लगवाया। और टीका लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी, माँ का प्रसाद मिल जाता है यार तो खुशी तो हो ही जाती है। और हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, उसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था रात में। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, मैं अपनी चाय और बिस्किट इन्जॉय कर रही हूँ एज़ यूजल, जैसे कि मैं करती हूँ सुबह में। पूजा हो चुकी है मेरी और मैंने ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं रखा, ये अष्टनवमी का, तो ये 10वीं के दिन का है। और मैं गई थी रावण वध देखने के लिए गांधी मैदान,
मैंने नाश्ता बनाया था अनियन पराठा और आलू गोभी की सब्ज़ी। ये पराठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फटाफट से बन जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग आता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है अनियन पराठा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्वादिष्ट। आपके अंदर आपको जो भी मसाले डालने हैं आप आटे के अंदर डालिए, गूंथिए और फटाफट पराठा तैयार कर लीजिए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसे अचार या दही के साथ भी खा सकते हैं, सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है, बट ठीक है तो आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत यम बना, मैं अपना नाश्ता इंजॉय करती हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था तो मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं आराम से रेस्ट कर रही थी पूरे दिन। और शाम का ये ऑफिस से आया था नाश्ता, इसमें पैटीज था, स्वीट्स था, ये मिनी समोसा था और मिनी समोसा मैंने ट्राई किया। डोंट वरी, मैं इतना सारा स्नैक्स नहीं खाने वाली हूँ। ये समोसा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मैंने बाकी सारी चीज़ें रख दी क्योंकि शाम का स्नैक्स का टाइम था, तो मैंने बस एक मिठाई और ये एक छोटा सा जो समोसा था वो मैंने इन्जॉय किया। बट वाकई ये समोसा बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे नहीं पता इसमें फीलिंग क्या थी, बट खट्टा मीठा थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट आ रहा था, कुछ पाउडर टाइप्स था इसमें मिक्स था, बट ठीक था, चलो जो भी था। उसके बाद मैंने और कुछ शूट नहीं किया शाम को कि मैंने क्या खाया क्या किया। उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने जो पेटीज था उसमें वो मैंने रख दिया था, उसको मैंने गर्म किया और उसको टमाटर सॉस के साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ। ये मेरा नाश्ता हो गया एक तरह से सुबह का, तो मैं इसे सुबह के नाश्ते में इंजॉय कर रही हूँ। और क्या, और कुछ नहीं, बस मैंने इसे इंजॉय किया। और इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि मैंने उसके बाद क्या किया। तो होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और मैं मिलती हूँ।